ये पराठे, 3 रायता, 2 सब्जियाँ, अचार, प्याज, मिर्च, ये सब चीज़ें मिलती हैं। कंप्लीट, एक तरीके से कंप्लीट पेट भर जाए। राम राम सर सभी को। खंबा गढ़ी सा राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। तो दोस्तों अभी हम खाने आए हैं। 30 रुपए में क्या क्या मिल सकता है? 3 तो आलू के पराठे, 2 सब्जी, रायता और भी बहुत कुछ। तो चलिए बता दूँ लोकेशन कहाँ है उसकी। ये है वो ठेली जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती है। 30 रुपए आपको मैक्सिमम देना है। लोकेशन ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल है अलवा सिटी राजस्थान का, इकलौता, उसके गेट के बाहर लगा रखी है इन्होंने, जो कि रेलवे स्टेशन और अलवा बस स्टैंड से लगभग 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बना रहे हैं भैया। क्या दे रहे हो अभी आप? जैसे सब्जी कौन कौन सी अभी अपने पास? आलू और दाल। ये क्या है? ये आलू की सब्जी है। अच्छा, सिंपल आलू। हाँ जी। अच्छा, और वो क्या है? ये दाल है। अच्छा, 2 सब्जी देते हो आप। हाँ जी। ये कौन सी दाल है? ये मूंग की दाल है। और ये अपना रायता है? ये रायता है। अच्छा, और ये आलू की पिट्ठी है? ये आलू की पिट्ठी है। अच्छा अच्छा, तो ये साइज रहता है आपके पराठों का? अच्छा, 3 पराठे देते हैं। तो शुरू से कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? तकरीबन 3-1 साल। 3-1 साल। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल। कहाँ के रहने वाले हो? मेरी कोई लोकल। तो सही चल रहा है काम धंधा? हाँ, ये सर्व कर रहे हैं भैया। अच्छा, मतलब अगर ख़त्म हो जाए सब्जी तो और भी दे देते हो? हाँ, 2-3 बार। तो यहाँ पे छोटी सी गैस लगा रखी है इतनी सी। तो भैया अभी कितने लगभग कितने पराठे बिक जाते होंगे पूरे दिन में? 7-8 किलो आटा बिकता है। 7-8 किलो आटा निकल जाता है। 7-8 किलो। क्या टाइमिंग रहती है, आप कब आते हो? सुबह 8:30 से शाम को 9-9:30 बजे। 9:30 तक। तो ये जैसे ये आटा एक बार में लगाया तो लगभग 2 किलो आटा है, 3 किलो आटा है? 2-2.5 किलो। ऐसे 3 बार लगा लो, 4 बार? हाँ, 3-4 बार लग जाता है। 3-4 बार लग जाता है। और अपन इसको करने के लिए कौन सा तेल यूज़ कर लेते हैं? रिफाइंड स्कूटर यूज़ में लेते हैं। तो यार एक चीज़ बताओ, 30 रुपये में इतना सब कुछ देते हो, कुछ क्या बचता होगा इसमें से? कितने रुपए बचा लेते होंगे एक बार 30 रुपये में से? लगभग डेली के कितने रुपये, आइडिया कितने रुपये तक का बचा लेते हो आप? अच्छा, ऐसे बच जाते हैं? अच्छा अच्छा, ऐसे सिस्टम है। तो इससे पहले क्या करते, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई 5 तक। 5 तक। तो इससे पहले कोई और काम करते थे आप? लाइट का काम करता था। वो कितने टाइम काम किया? वो करीबन 2-2.5 साल काम किया, फिर छोड़ दिया वो। क्या कारण रहा उसका छोड़ने का? मेरे साथी के साथ कुछ हादसा हो गया था इसलिए। अच्छा अच्छा, मतलब कोई करंट वगैरह लग गया। तो फिर आपने जब से अपना काम चेंज कर लिया, अभी यहाँ पे मज़ा आ रहा है काम करने में? एकदम मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, क्या बात है यार। 22 साल की उम्र में अपना सेटअप खोल लिया आपने, एक बंदा भी आपके साथ है। ये आपके भाई हैं क्या, मतलब भाई हैं? अच्छा अच्छा, क्या बात है यार, लगे रहो, बढ़िया। तो एक काम करो आप, एक प्लेट 30 रुपये की पैक कर दो आप। हाँ, पैक कर दो। चलो साहब, 2 जने हो आप, 2 जने मिलके करते हो? हाँ जी। क्या नाम बताया था आप, नाम पूछो। बोलो। 3 जने। आपका नाम क्या था? मेरा नाम वकील है सर। वकील? हाँ जी। तो पराठे बना रहे हो? हाँ जी। चलो भाई चलो। काम कहाँ से सीखा आपने? होटल पे से। होटल पे काम किया था कहीं? हाँ, बिजली के काम के बाद। हाँ, कुछ टाइम किया था। फिर वहाँ पे रोटी वाला कारीगर नहीं था, फिर मैं कभी कभार रोटियाँ बेल लेता था। तो धीरे धीरे इधर आ गया। कहाँ पे काम किया था? मंडी मोड़ अलवर में ही है। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से काम सिखाइए। हाँ। फिर 30 रुपये में इतना सब कुछ सस्ता दोगे, चल जाएगा, कैसे आइडिया है? दो सिलेबस करना है? बस करना है तो कर लिया। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, आगे और फ्यूचर भी। तो उम्र ही क्या है, लगे रहो। भैया ये थे हमारे वकील जी और इनके पराठे। हालांकि बहुत कुछ है यार, 30 रुपये में इतना सब कुछ, इवन रायता भी दे रहे हैं लोग, 10 रुपये का रायता अलग से देते हैं। चलो बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। होप सो कि आगे और तरक्की करें। हम यही विशेष करते हैं
तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस, राम राम सा सभी को, खम्बा गणी सा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे, जय श्री राम। इसमें पराठे हैं, है ना, पराठे सब्जी खा लेना आराम से, ना। राम राम भैया ना।